कांग्रेचुलेशंस मैं एक्चुअली सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, महेंद्र सर को भी, दिशा को भी, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पिछली बार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम यू नो मेहनत करने में बिलीव करते हैं, फल ऊपर वाला अपने आप देता है। एंड गाना देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, कुछ नया करने को मिला, डांस करने को मिला और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस थी। सो बहुत खुशी हुई वो देख के, और जो प्रोडक्ट था वो अच्छा लगा मुझे। सो इसलिए मेरा एक्चुअली तीसरा गाना रिलीज हो गया पिछले 10 दिनों में, लेकिन जो भी कहो तीनों गाने बहुत अलग हैं, तीनों गाने बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो है मुखड़े पे मर गया, ये तो मेरे को देख के ऐसा लगा जैसे कि पूरा फिल्म का एक सीन है, फिल्म का एक सीन उठा के गाना यू नो डाल दिया है, क्योंकि जो शॉट टेकिंग है टीनू सर की एंड एवरीथिंग, और जो जो गाने की थीम है वो बहुत ही फिल्म की तरह से लिया गया है थोड़ा। सो I think it was very fruitful. He has been very cooperative since the whole song. बहुत tease करता था मुझे पूरे song में, पूरे off camera on camera बहुत tease करता है, but बहुत अच्छा है। I got to learn so many things from him, which will stay with me through my entire career. Thank you so much. And ये भी बहुत hard working है, बहुत मेहनती है। एंड तभी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, पैशन है उनको, उनके अंदर यू नो इस चीज़ के लिए, तभी अब बस बढ़ रही हैं आगे, बहुत बढ़िया। टच वुड। सर आप बैक टू बैक प्रतीक के साथ क्या राज है? या ये राज भी ये क्वेश्चन आया इस बार भी ये कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यार जो एक फेमस लड़का है, जो इतना फेम है, बिग बॉस में फेम है, गुड लुकिंग है, अच्छा एक्टर है, ये हुई ना बात सर, नहीं ये जान के मुझे खुशी हुई कि सर को मैं अच्छा एक्टर लगता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे अच्छा और क्या? बस नहीं सही बात है, फैमिली है यार। सही बात है। प्रतीक आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस पहले भी किए हुए हैं, सबसे अच्छा एंड किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया म्यूजिक वीडियो करके? इसका आंसर मैं दे सकती हूँ प्रतीक के बिहाफ पे। अब प्रतीक बोलेगा यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अच्छे हैं, सब हार्ड वर्किंग है, हां बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं यही बोलूंगा एक्चुअली कि सब बहुत मेहनत करते हैं, एक एक इंसान यहाँ पे भी बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत मेहनत करते हैं, तो यही बोलूंगा कि एवरी सिंगल पीस ऑफ वर्क जो मैंने किया है वो डिजर्व करता है बेस्ट होना, और वो बेस्ट है एक्चुअली। मधुर मधुर स्ट्रॉन्ग संजीव चतुर्वेदी जी, इन्होंने बैठ बैठ के ये है म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, सबको बहुत अच्छा लगा। प्रतीक पहला जो सॉन्ग था आपके, तीसरा सॉन्ग है क्या अलग है, मतलब किस तरह का लोकेशन पे शूट किया और आपको तीनों अलग इवेंट मिले, क्या खास रहा? एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारे दो गानों जो पिछले रिलीज हुए हैं उसमें लोकेशन थोड़ी सेम थी, लेकिन एक बात ये किसी को रियलाइज़ नहीं हुई कि लोकेशन सेम थी बट थीम इतनी अलग थी, स्टोरी इतनी अलग थी, और यू नो शॉट टेकिंग इतनी अलग थी और परफॉर्मेंसेस इतनी अलग थी कि पता ही नहीं लगा कि लोकेशन सिमिलर है। सो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक आप लोगों ने गाना देखा, बहुत ही अच्छी एक वाइब थी इस गाने को लेके, और जैसे मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ लेकिन मुझे ऐसी फील आई कि जैसे करण जौहर सर की एंड यश चोपड़ा जी की जो फिल्में आती हैं, जो बहुत पहले जो 80s 90s की जो शॉट्स होते थे ना, काफ़ी सिमिलर शॉट्स थे इसमें भी, और हमको वही फील आ रही थी, मतलब मुझे तो वैसी फील आ रही थी कि वो मोहब्बत है टाइप की, ठंड में यू नो वो ठंड में शाम को शॉट्स लिए जा रहे हैं, सनसेट हो रहा है एंड ऑल दैट, सो वो बहुत अच्छी वाइब मुझे ऐसी लगी। बस मैनिफेस्टेशन चल रही है, चल रहा है और क्या। हाँ जी, केमिस्ट्री तो बहुत ही बढ़िया था, जो आपने देखा ऑन स्क्रीन वैसे ही था, बस बढ़िया था, मज़ा आया एंड काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, जबकि वो मुझसे छोटी एज में, लेकिन सीखने को तो ज़िंदगी भर मिलते रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक इंसान जैसे मैंने बोला है जो रॉ इंसान होता है ना उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो इंसान काम कर चुका है उसकी तो एक पैटर्न सेट हो गया, एक टेम्पलेट बन गया कि भैया ये तो ये करता ही है, लेकिन जो रॉ होता है ना उसका सब कुछ एकदम नया होता है कि वो क्या करने वाला है किसी को नहीं पता होता, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से कहाँ पर रिएक्ट कर रहा है एंड क्या है क्या नहीं है। सो आई हैव गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ
मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. ये बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत हेल्पफुल है, ये तो सभी बोलते हैं. बट आई थिंक ये मैं तो इसको आलू बोलती हूँ क्योंकि ही फिट्स विद एवरीवन. आलू 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 आलू, इनका लॉजिक ये है कि आलू हर सब्जी में डालो तो स्वाद का अच्छा लगता है. ये सबके साथ फिट हो जाते हैं. बट आई थिंक मेरे साथ ज़्यादा अच्छे फिट हुए हैं. क्या बात है. बट इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, अच्छी चीज़ें. पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा मैंने सीखा. ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. थैंक यू. बस इतना बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, एंड और सपोर्ट करते जाइए. हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारा तो काम है मेहनत करना. आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे. और आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि हमारे लिए यहाँ पे आप आए, अपना कीमती समय दिया. मौसम जो भी हो, खाना पीना छोड़ के, भूखे प्यासे, जैसे मर्जी, गर्मी में, सर्दी में, हर तरीके से आते हो, बारिश में. थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप सबको हमारी तरफ से थैंक यू सो मच. लेकिन वो यहाँ पे है नहीं लव सॉन्ग. तब हम मिलेंगे ना, हम मिलते रहेंगे. हमारा अटूट रिश्ता है जो कभी टूटने वाला नहीं है. हम मिलते रहेंगे. आपकी, मेरी और मीडिया की शादी हो चुकी है, ऐसे समझ लो. मेरी शादी कभी लाइफ में किसी और से लड़की से तो हो नहीं सकती, तो मैं मीडिया से ही शादी हो गई है मेरी, समझ लो. मेरी जान हो आप लोग. सो मिलते रहेंगे. अरे आपका अरे सर यहाँ पे प्रतीक भाई, प्रतीक भाई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. हो गया, हो गया. दिल वाला, दिल वाला भाई साहब, दिल वाला, दिल वाला. यहाँ पे प्रतीक भाई, हो गया. दिल लग रहा है ना, दिल लग रहा है ना, दिल टूट गया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.